राम राम। हाँ बरखेड़े बोझा को रेबाड़ा हूँ, मेरा नाम गुलाब चंद नागर है, हरिओम समी में जुड़े हुए हूँ। खेती भी करता हूँ और खेती के साथ में पशुपालन भी करता हूँ। हाँ साहब, मेरे पास एक देसी गाय थी, उसके बाद में मैंने अपनी जर्सी करवाई, संकर जर्सी करवाई। उसके बाद में यह दूध अच्छा देती है, 7 लीटर सुबह 7 लीटर शाम को देती है, और असल नसल है। हाँ साहब, इसका बछड़ा भी अच्छा है, बोले कि आप खेती भी कर सकता हो उसे। देखिए, हम जब कृत्रिम गर्भाधान करने जाते हैं तो सबसे पहले सावधानी है वो बताता हूँ आपको। तो कि पहले तो साबुन से हाथ अच्छे से धो लेते हैं और नाखून भी बड़े नहीं होने चाहिए, हाथ के नाखून भी छोटे होने चाहिए। हाथ धोने के बाद हाथों में दस्ताने पहन लेते हैं। अब पहले मुंह पे ये बांध लेते हैं, ये मुंह पे मास्क बांध लेते हैं, उसके बाद हाथों में दस्ताने पहन लेते हैं। ये हाथों में दस्ताने पहन लेते हैं, इनसे कीटाणु का खतरा नहीं रहता है और पशु भी सुरक्षित रहता है। आइए, मुंह में दस्ताना बांधने से क्या है कि अपने में भी वायरस नहीं घुस सकते हैं, गलत कीटाणु, इससे अपन भी सुरक्षित रहते हैं। अभी होने के बाद हम ये गन तैयार करते हैं। गन को निकाल के साफ जगह रख ली, ये सीध को रख लिया निकाल के, और जो इसमें जरूरी सामान है उसको निकाल लेते हैं। ये रिंग कटर है, इसको ये काटने काम आएगा। कैंची है जो सीवन को पकड़ने काम आएगी। उसके बाद चिमटी की ज़रूरत पड़ती है तो चिमटी भी निकाल लेते हैं। चिमटी है, इसकी सहायता से हम कंटेनर में से वो सीध को निकालने का काम करते हैं। और ये गन है, ये गन बीज डालने के काम में आती है, और ये सीवन इस गन के ऊपर चढ़ने को चढ़ती है। ये रिंग कटर है, इसकी सहायता से हम वो सीवन का मुंह काटते हैं, और ये कैंची की सहायता से और काटने का काम में आ जाती है। ये 3.5 लीटर का कंटेनर है, इसके अंदर 3.5 लीटर गैस आती है, LN2 नाम रहता है उसका, जो बर्फ के तापमान से भी 70 डिग्री नीचे रहती है ताप, अति ठंडा रहता है मतलब। और इसके अंदर वो बीज रहता है, बीज इसके अंदर इसलिए रखा जाता है कि इतना ठंडा है कि वो बीज कभी भी ख़राब नहीं होता है, अगर थोड़ा भी ताप में चला जाता है तो ख़राब हो जाता है, इसमें सुरक्षित रहता है वो। इसमें सभी नस्ले का बीज रख सकते हैं अपन, इसमें मुर्रा भैंसे का, और गायों में गिर नस्ल, साहीवाल आदि बहुत सारी नस्लें हैं, उनका सभी का बीज रखते हैं हम। सभी का सिंपल पांच पांच रखते हैं इसमें, जो भी आता है ग्राहक उसको जो इच्छा हो वही बीज डाल देते हैं उसको, बता के कि कौन सी नस्लें डालनी है तुम्हारे इसमें। ये कंटेनर का मुंह खोल के हम सीवन को निकालेंगे अब। ये चिमटी की सहायता से हम पकड़ लेंगे इसको, ये सीवन है इसमें, ये ढक्कन लगा दिया और सीवन निकाल ली। और इसका ये नाम देख लेते हैं कौन से नस्ल का है इसमें, इसको साफ करके। ये काऊ बफेला, भैंस का हो तो बफेला, और काऊ का काऊ लिखा रहता है गाय का, और नस्ल का यहाँ पे लिखा रहता है गिर नस्ल है, साहीवाल है, या कौन सी भी है। ये बीज को इसको पानी में डाल दिया, वो थोड़ी देर रखते हैं इसको, और इसको निकाल के हम गन में फिट करेंगे। और इसका ये ऊपर का सिरा काट देते हैं। और ऊपर से सीवन लगा दें। ये ऊपर ये प्लास्टिक की ये सीट लगाई अपन ने, इससे क्या होता है कि मवेशी को, ये नीचे स्टील की रहती है, ये प्लास्टिक की है, इससे उसको दिक्कत नहीं आती है, सुरक्षित रहता है वो, इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है, इसलिए ये लगाई जाती है। गाय जब गर्मी पर आती है तो उसके लक्षण स्वाभाविक पता चल जाते हैं, जैसे कि
गाय दूसरे मवेशी पे चढ़ना, बार बार पेशाब करना या रामना और मूत्राशय की तरफ लाल तब का पानी आना, ये आदि लक्षण पाए जाते हैं। तो इससे पहचान हो जाती है कि गाय गर्मी पे है। और गाय के गर्मी के आने के 12 घंटे बाद से ये भी कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। ये 24 घंटे तक गर्मी पे रहती है गाय, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। अगर 12 घंटे निकलने के बाद करो तो अच्छा होता है। ये गाय के गुदादारों में हम हाथ डालते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी गोबर हो तो निकाल लेते हैं हाथ साफ कर, अगर नहीं हो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाथ अंदर चला के और ये दाहिनी कूप में हो, ये गाय के पीछे गुदादार में हाथ डाल के ये हम गंते को पकड़ लेते हैं और उसके बाद इसे गन पास करा देते हैं और लाख खोल के पिस्टन को दबा देते हैं, निकाल के इसको तो रिजेक्ट फेंक देते हैं। दस्ताने को तो निकाल देते हैं और इनको एक ही बार यूज किया जाता है, इसको बार बार नहीं करते हैं। आप पानी से ये हाथ धो लेते हैं। हाँ, गाल या गाय सब पाले आन साहब तो रामे और दूसरा डोर को फिर डाक के ओके बाद में खींच के भागे और लाड़े वाड़िया करे तो हम उस गाय की सूझ पड़ जा कि गाय गर्मी पे चढ़ेगी। पाली आती है साहब, जब 12 घंटे के बाद हम करवाला 24 घंटे तक पाली रहे। हाँ साहब, एक ही गाय की हमारे पास 4-5 गाय होगी और दूध भी अच्छे होते हैं उनके पास में। डॉक्टर साहब की मतलब केड़ा की कोई जरूरत नहीं पड़े, जैसे पाली आ जाते डॉक्टर साहब को बुला के उसकी पाली करवा, और दूध भी अच्छे होते पता ना साहब, 7 लीटर दे दे, 8 लीटर दे दे, खिलाई को मतलब 9 लीटर भी दे सकती है, पर 7 से कम तो कभी दे ही नहीं। हाँ साहब, ये एक गाय है कम से कम महीना का 3-4 हज़ार से के लगभग देती है, अगर 2-4 गाय हो तो वो तो देख लो आप अनुमान से कि उस पर पैसा पड़ता है।